हेलो फ्रेंड्स, विजयास क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं आपसे एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करूंगी। जैसे मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से हम अपने घर में उपलब्ध आइटमों का यूज़ करके स्मॉल स्पेस में ही कई प्रकार के हैंगिंग बास्केट्स, हैंगिंग प्लांटर्स बना करके उसमें अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। पहले तो मैं ये वीडियो बना नहीं रही थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इस आइडियाज़ को शेयर किया जाए, ताकि जिनके पास अधिक जगह नहीं है गार्डनिंग के लिए, वो इस तरीके से अपने प्लांट्स के लिए स्पेस बना सकते हैं। मेरा तो ये बहुत अच्छा नहीं बना है, मैंने तो बस ऐसे ही लटका दिया है। एक्चुअली में पहले जहाँ ये सब हैंगिंग बास्केट लगी थी, अब तक उस एरिया में इस समय बिल्कुल धूप नहीं आ रही है। इस चक्कर में मेरे कुछ प्लांट्स ख़राब भी हो गए, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं दे पाई। आज जो है मॉर्निंग से ही मैंने इन सब की शिफ्टिंग कर दी और इनको धूप वाली जगह पर रखा। साथ में ही जो अपने वेस्ट मटेरियल है उसको भी यूज़ करा। आप मेरे इस आइडिया को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, ब्यूटीफाई करके और अपनी क्रिएटिविटी के साथ कुछ ऐसा ही क्रिएट कर सकते हो और कम स्पेस में भी प्लांटिंग कर सकते हैं। हम लोग के घर में अक्सर टूटे कपड़े वाले स्टैंड हैं, हैंगर्स हैं, फोल्डिंग बेड्स हैं, चेयर्स टूटी पड़ी रहती हैं, तो उन सब को हम लोग एक नया रूप दे सकते हैं। ये वाला लोहे वाला जाल हमने एक पेड़ को जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाया था। अब वो पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसे निकलवा लिया गया। फालतू कई साल से पड़ा था, कभी इधर लुढ़क रहा था तो कभी उधर। आज सवेरे हमने इसमें जो है अपना बचा हुआ पेंट जो निकाला और उसको यूज़ करके थोड़ा सा चमका दिया, और ये एज अ प्लांट हैंगर के रूप में फर्स्ट क्लास तैयार हो गया। अब मैं अपनी हैंगिंग बास्केट के लिए भी एक मैंने हैंगर बना लिया। इसमें जो है मैंने अपने कुछ क्लाइंबर प्लांट्स भी चढ़ा दिए। ये पॉलीथीन बैग में हमने काफ़ी पहले लौकी के बीज से इसको ग्रो करना बताया था, अब वो भी चढ़ा दिया, इसमें वो फैल गया है। इन हैंगिंग बास्केट को हमने किस तरीके से बनाया है, इस पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हो। बहुत इजी ढंग है ये, मेरा कैलनकोई या फिर कैलनचू कुछ भी बोल सकते हैं। आजकल प्रोनंसिएशन को लेकर भी बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाती है, क्योंकि सबके एरिया में जो है अलग अलग ढंग से प्रोनाउंस किया जाता है। ये वाले सारे प्लांट्स हमने कटिंग से ग्रो किए थे, इनको जो है काफ़ी धूप चाहिए। ये 10-12 दिन बिना धूप के ही पड़े रह गए, इसलिए इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। अब फिर से ये सर्वाइव कर रहे हैं। ये नीचे जो हैं हमने ये सब ऐसे ही बॉटल्स लटका दी हैं, हैंगिंग बना करके भी इनकी। इस तरीके से इस जगह पर आप काफ़ी सारे बॉटल्स लटका सकते हो, और उसमें अलग अलग तरह के चाहे फ्लावरिंग प्लांट लगाओ चाहे वेजिटेबल, सभी अच्छे से चलेगा। ये जो हैंगिंग बास्केट बनाते हैं ये हमेशा लाइट इन वेट होनी चाहिए। इसको हमने कोकोपीट, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट से बनाया है, मिक्स करके सॉइल मिक्सचर। इसका जो है जाली कवर करने के लिए हमने पतला चुन्नी वाला कपड़ा लगा रखा है। इसमें जो है ये रेड प्लांट लगा है, और ये वाली जो मेरी हैंगिंग बास्केट है ये आज शिफ्टिंग में ही टूट के चली गई थी। इसमें हमने जो शॉपिंग बैग आते हैं उसमें जो फाइबर वाला कपड़ा होता है उसी को नीचे बिछा दिया है, ताकि जो सॉइल मिक्सचर है वो पानी के साथ ना बह जाए। इसमें ये वाला मेरा स्वीट पोटैटो वाइन है। विंटर के समय ये अपने आप ही मर जाती है, सर्दी इसको सहन नहीं होती है, और गर्मी आने में फिर से ये खिलने लगती है। इसके नीचे बल्ब होता है, और ये सब हमारे ऐसे ही एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं। काफ़ी सारी सीडलिंग्स हो जाती हैं विंटर में, ऐसा लगता है फेंकने से अच्छा है इनको जो जगह मिले वहीं लटका दो। और ये सब मेरी कोई ना कोई बेल हैं। ये अंगूर की बेल है, ये भी मर सी गई थी बेचारी बिना धूप के मिले हुए, अब मैं इसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स कई प्लांट यहाँ पर लगा रखे हैं हमने, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये वंडर ड्यू, ये वुलन सॉक्स में लगा हुआ है, इसको हमने कई वीडियो में दिखाया है आपको। इसे जो है ऊनी मोजे को हमने एक तीली में फंसा के रख दिया है, सर्दी के समय इसमें कम पानी की ज़रूरत होती है इसलिए ऐसे चल जाता है, कभी कभी बस स्प्रे कर देंगे और गर्मी आएगी तब देखा जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अब मैं आपको इधर दिखाती हूँ, ये हमारी पुरानी लकड़ी की डलिया। पहले इसमें हमने अपनी तरोई लगा के रखी थी, कितनी अधिक तरोई निकली थी इस पर भी हम आपको वीडियो बना करके दिखा चुके हैं। अब इसमें ये पेपर फ्लावर की सीडलिंग्स लगी हुई हैं,
इसको भी हमने पुराने कपड़े से कवर करा है नीचे से, ताकि मिट्टी ना बह जाए। इन प्लांट्स में जब फ्लावरिंग होगी तब मैं आपको शो करूँगी। इधर मेरे ये डेलिया के कुछ बड़े प्लांट्स हैं, कुछ छोटे हैं, अलग अलग टाइम पर सीडलिंग्स करते रहते हैं। स्वीट पी भी है, और ये वाला जो है ये देसी वाला डेलिया है जो सिंगल पेटल का होता है, इसको सीड से हमने ग्रो करा है। काफ़ी सारे इसके भी प्लांट्स निकल आए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरी साइड ओवरव्यू भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरी एक पैशन फ्लावर की बेल लगी हुई है, जिसमें कि फ्लावर्स बहुत सुंदर आते हैं। मैं टाइम नहीं मिला था तो हम वीडियो नहीं बना पाए, दिखाते हैं दूर से। ये देखिए जो आपको दीवार में दिख रही है, ये मेरी पैशन फ्लावर की बेल है। बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। और इस तरफ मेरी लेमन ग्रास लगी हुई है। गर्मियों में इसकी हमने काफ़ी चाय बनाई, लेकिन अब विंटर्स में अदरक वाली चाय ही अच्छी लगती है, इसलिए काफ़ी बुशी सा हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी सूखी पत्तियों को भी यूज़ किया जा सकता है। ये सब हमारी चेरी टमेटोज़ की वेराइटी हैं, अलग अलग वेराइटीज़ हैं, जो कि सभी खाने में बहुत टेस्टी हैं। एक दो बार इसको तोड़ा भी जा चुका है। इसको तो बस ऐसे ही तोड़ लीजिए और मुंह में डाल लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, बिल्कुल मीठा मीठा सा लगता है। सैलड की जगह खा सकते हैं इसको। अब आपको हम वापस अपने हैंगिंग स्टैंड की तरफ ले चलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मेरा हैंगिंग स्टैंड है, ये राउंड शेप में है, गोल है, इसलिए इसको प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए हमने चारों तरफ से इक्वल अमाउंट में लोड दिए हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं अपनी विंटर पी का प्लांट। ये जो है, इसमें किसी ने अपने कपड़े निचोड़ दिए थे, जिससे ओवर वाटरिंग हो गई है। इसके बाद हमने राख वगैरह डाल करके थोड़ा पानी कम किया इसका, और उसको प्लांट्स के बीच में डाल दिया कि अब कोई पानी ना डाल पाए। ये जो है देखिए, छोटी सी मेरी लौकी जो मैंने पॉलीथिन में बोई थी वो वाली, और इसमें जो है एक पहले भी लौकी निकल चुकी है जो हमने तोड़ लिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने वेस्ट मटेरियल का यूज़ करिए। हाँ, इसको जो मैंने इस तरफ से लोड दिया है, ताकि ये एक तरफ से डिसबैलेंस ना हो जाए, सब तरफ से इक्वल अमाउंट में इसको लोड मिले। और ये ज़मीन में किसी भी चीज़ से फिक्स नहीं है, इसको बराबर से बैलेंस कर रखा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा ये आइडिया। पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर हिट करिएगा। मेरे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब करना चाहते हो तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि गार्डनिंग संबंधित आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।